कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूं। फिर से आप इसमें लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। दोस्तों लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन होने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 900 का रेसो सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेजुलेशन 10S रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाइएगा, एक ऑडियो सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी सॉन्ग पे आप स्टेटस बनाना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे स्क्रीन पे टैप करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो रेक्टेंगल आप देख सकते थे इसमें से ये वाला जो आप देख सकते हैं सबसे नीचे कॉर्नर पे, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फील कंप्रेशन एरिया या एस्टेज टू कंप्रेशन एरिया कर लीजिएगा, एस्टेज टू कंप्रेशन एरिया कीजिएगा। तो जो शेप हम यहाँ पे इफेक्ट इसमें देंगे तो राउंडिंग वाला होगा। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कलर एंड फील में चलते हैं और ये ड्यूल कलर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। अभी व्हाइट वाले को नीचे की तरफ कर लीजिए और इस वाले को बीच की तरफ, तब देख सकते हैं यहाँ पे जो शेप बीच वाला आ रहा है थोड़ा लंबा आ रहा है, तो ये उसी की वजह से आया। अगर आप कंप्रेशन एरिया किए रहते तो ये बीच में गोला हो जाता, ठीक है, तब देख लीजिएगा। इसके बाद व्हाइट वाले को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पिंक कलर सेलेक्ट कर लीजिए और ब्लैक वाला जो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे व्हाइट कर लीजिएगा। आप अगर पिंक वाले को और भी डार्क करना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, और ये पेंसिल के नीचे वाला आइकन पर क्लिक करके इसे और भी इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कम रखता हूँ यहाँ पे, हल्का सा व्हाइटनेस रहेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिए, प्लास्ट में देंगे, यहाँ पे सेव को सेलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, आगे तक आ जाएगा। फिर स्टार्टिंग में आइएगा और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पार्टिकल वीडियो मैंने दिया था, इस वीडियो को ले लीजिएगा, इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिल कंप्रेशन एरिया कर लीजिएगा, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। नीचे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लाइटन पर क्लिक करके इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। स्क्रीन पे टैप कीजिए, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन से यहाँ पे फिर से आपको मीडिया में चले जाना है और मोर पंख वाला जो पीएनजी आपको मिला इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद मूव इट आसमान में जाइएगा और इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, ऊपर थोड़ा करके यहाँ पे इस तरह से, ये व्हाइट जो बीच वाला है उसे थोड़ा ऊपर। अब स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए, ऑडियो को लास्ट में चले जाइए, यहाँ पे आपको ये जो पार्टिकल वीडियो है इसे सेलेक्ट करके एक्स्ट्रा जो उसे कट कर देना है। मोर पंख जो लिए थे इसे सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन में टैप कीजिएगा, आपका मोर पंख लास्ट तक आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में आइएगा, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, जो भी मॉडल इमेज पे आप एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। देन मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, जूम आउट करना चाहते हो जूम इन करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, मैं इतना रखता हूँ। और मूव वाले ऑप्शन की मदद से इसे एडजस्ट कर लीजिए, आप कहाँ पर रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर इसे रहने देता हूँ, ठीक है, इतना पे ये सही लग रहा है तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, आप देख लीजिए आपको कहाँ पर रखना है। अब यहाँ से बैक आइएगा, इस वाले एरो पर क्लिक कीजिएगा, फिर से एक बार क्लिक कीजिएगा, लास्ट में आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा, आपका जो मॉडल है ये लास्ट तक आ जाएगा। इसे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करते हैं, बीच में यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं, अभी सही लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, जो शेप नीचे वाला लिए थे उस शेप को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में टैप करके यहाँ से कॉपी लेयर कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक आइएगा और स्टार्टिंग में आकर यहाँ पे फिर से इस वाले ऑप्शन में टैप कीजिए, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दीजिएगा। तो जो शेप आप कॉपी किए यहाँ पे आ जाएगा, आप शेप को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे कलर एंड फील में चलिएगा और यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो व्हाइट वाला ऊपर आ जाएगा, व्हाइट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे नीचे इस वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। तो पेंसिल जो आ रहा है इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से आ गया। नीचे वाले पॉइंटर को लेकर थोड़ा ऊपर की तरफ कीजिएगा ताकि जो मॉडल का जो यहाँ पे कटा हुआ ये वाला कटा हुआ आ रहा है तो ये थोड़ा ब्लर हो जाए, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। अब यहाँ स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, बैक आ जाइएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, एक ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक स्क्रीन वाला जो डॉट पार्टिकल इसे सेलेक्ट कीजिएगा, वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, जूम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसे जूम कर दीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे इस वाले वीडियो को फिर से सेलेक्ट कीजिए, ब्लेंडिंग में जाइएगा, लाइटन पे क्लिक कीजिए, थोड़ा आगे आप देखेंगे कलर डॉटेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैक आना है, फिर ऑडियो को सिलेक्ट करना है, ऑडियो को लास्ट में आ जाना है। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो जो है थोड़ा कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, कॉपी लेयर कर लेंगे, फिर इस वीडियो को लास्ट में आ जाइएगा और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दीजिएगा। फिर से सॉन्ग को सिलेक्ट कीजिए, सॉन्ग का लास्ट में जाइएगा, जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिएगा। अब बराबर हो गया, यहाँ पे देख सकते ये बराबर हो गया इस तरह से, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, एक पीएनजी मैंने आपको दिया था इस पीएनजी को ले लीजिएगा, मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, एकदम बीचों बीच इस तरह से रख लीजिएगा, ये परफेक्टली हो गया। अब इस वाले ऑप्शन में टाइप कीजिएगा दो बार, तो लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ से बैक आकर इस वाले ऑप्शन में टाइप कीजिएगा, ये लास्ट तक आ जाएगा। अब हमें अपना लिरिकल्स यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट लाइन है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, मोहब्बत ही। तो यहाँ पे प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में चलेंगे और यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा था मोहब्बत ही यहाँ पे ये वाला है
तो हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोहब्बत ही, मैंने यहाँ पे पहले से टाइप करके रखा था, आप अपना टाइप कर लीजिए जो भी लाइन होगा, इसे लाइन कीजिएगा, रोबोट टूल पर क्लिक कीजिएगा, ये वाली फॉन्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, इसे ले लीजिएगा, इसका 18 पीटी होती है, इसे 32 कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रीन वाला पॉइंटर इसे थोड़ा आगे कर दीजिएगा, तो इस तरह से आ जाएगा जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका कलर जो है, तो कलर को आपको इसे व्हाइट कर देना है और फिर राइट क्लिक कर लेना है। अब मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, इसे लेकर नीचे की तरफ यहाँ पे बीचों बीच रख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको एक बार फिर से प्ले करना है, देख लेना है कि ये फर्स्ट वाला लाइन जो आपका है वो ख़त्म कहाँ पर होता है। तो हमारा सेकेंड वाला लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला लाइन यहीं से खत्म हुआ, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑप्शन में टैप कर दीजिएगा, ये आगे तक आ जाएगा। थोड़ा सा आपको इस तरह से कर लेना है और इसमें जूम इफेक्ट जो मतलब उंगली से फिंगर की मदद से इसे जूम आउट कर लीजिएगा, ताकि इफेक्ट देने में आपको आसानी हो। आप क्या कीजिएगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाइएगा, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट कीजिएगा और फिर से यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, स्टार्ट 0 है, एंड भी 100 है, इसे रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, फेज को भी कुछ नहीं करना है। यहाँ लेयर कंपोनेंट आ रहा है तो कंपोनेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑफसेट में आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो एंगल आएगा, इसके बाद स्केल आएगा, तो हमें स्केल पे ही वर्क करना है। तो स्केल में आने के बाद आपको फर्स्ट में स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ पे प्लस करना है, इसके लास्ट में जाना है, यहाँ पे भी प्लस करना है, तो स्टार्टिंग वाले को माइनस में 1 करना है और लास्ट वाला जो है 0 माइनस में 98 रहेगा, 0.98, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में आते हैं, इसे माइनस में 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीचों बीच आ जाइए, परफेक्टली एकदम बीचों बीच आ जाइए, यहाँ पे बीच हो रहा है, अब यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसे 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसे आप पहले कर लीजिएगा तो आसानी होगा, इसे हमें पहले ही कर देना चाहिए था, तो इसे नहीं स्क्रॉल करना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हो गया, अब इसके लास्ट में आइएगा, लास्ट से थोड़ा पहले आइएगा यहाँ पे और इसे प्लस कीजिएगा, ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके लास्ट वाले में आ जाइएगा, ये थोड़ा और ज़्यादा आगे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे और करते हैं इतना पे, तो यहाँ से इस तरह से ये जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले पे आ जाइएगा, लास्ट वाले को यहाँ पे माइनस में 0.98 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा माइनस में 98, ठीक है, इधर का काम हो गया। अब हमें यहाँ पे बीच में, इसके बीच में 4 की लगाना है, 1, 2, 3, 4, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस हम एडजस्ट कर लेंगे इसमें इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब सही है, इसे रहने देते हैं। अब सबको अलग अलग की यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है, तो सेकेंड वाले को हम 0.98 करेंगे प्लस में, ठीक है, सॉरी 0.19 कर देंगे, 98 बोल दिया था मैंने, तो 0.19 इसे कर लीजिएगा, पूरा 19 ही रखिएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद वाले पे जाइएगा और इसे माइनस में 12 कर दीजिएगा, ठीक है, माइनस 12 आप इसे रख लीजिएगा, 0.12, ठीक है। फिर इसके बाद वाले पे जाइएगा और इसे प्लस में 0.10 कर दीजिएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब एक ही तो बचा है लास्ट, इस पे चलेंगे और इसे आपको प्लस में 0.2 कर देना है। फिर यहाँ पे 0 है, इसके बाद यहाँ पे 0 है और लास्ट में माइनस में 98 है। तो अब देखिए कुछ इस तरह से ये शेक करता हुआ आएगा, टेक्स्ट हमारा देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब आपको नीचे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सब जैसे वैसे ही रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सारा चीज़ सही है। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे कलर एंड लाइट में चले जाना है, लॉन्ग शैडो का ऑप्शन ऐड, इसे क्लिक कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे लॉन्ग शैडो को ओपन कीजिएगा। साइज इसका आप देख सकते हैं 0.150 है, तो इसे हम कर देंगे 0.051, ठीक है, तो यहाँ पे 51 परफेक्टली रख लीजिएगा, ये रहा, ठीक है। अब एंगल आपको 45 है, इसे रहने दीजिएगा, ये ब्लैक ही रहेगा। अल्फ़ा को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, तो अल्फ़ा पे क्लिक कीजिए, 31.6 इसे कर दीजिएगा, तो 31.6 परफेक्टली रख लेते हैं। अब यहाँ पे सॉलिडिटी फील फीड, तो सॉलिडिटी और फील 100 है ही, फीड पे क्लिक कीजिएगा और फीड को भी 100 कर दीजिएगा, ठीक है, ये रहा, बस इतना ही करना था इसमें, इसका बाद काम भी होगा। लॉन्ग साइड पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, यहाँ ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड्यूल में आइएगा और फिर से यहाँ पे स्ट्रिप्स का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, स्ट्रिप्स को ओपन कीजिएगा, इसका काउंट 0.5 कर लीजिएगा, ठीक है, और इसके बाद विथ को 0.15 कर लीजिएगा, 15 आपको इसे परफेक्टली रखना है, और फिर एंगल 45 है तो इसे रहने देते हैं। फेज पे आ जाइएगा, फेज पे आने के बाद इसके स्टार्टिंग में आइएगा और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे 7.36 कर दीजिए, ठीक है, परफेक्टली 7.36,
तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये रहा 36, देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया, ओह सॉरी ये हो गया। अब इसके लास्ट में आइएगा, परफेक्टली एकदम लास्ट में यहाँ पे प्लस कीजिएगा और इसे 6.75 आपको कर देना है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर पर क्लिक कीजिए और इसका कलर यहाँ पे पिंक कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे करके हम देखते हैं इसमें इफेक्ट कैसा आ रहा है, परफेक्ट यहाँ पे पिंक आप देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड में हमारा है वही यहाँ पे भी आ रहा है। अब आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है स्मूथिंग पे, और स्मूथिंग आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इसे 40 कर लेते हैं, 0.40। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से ये आएगा यहाँ पर। बस इतना ही करना था, हमारा फर्स्ट इफेक्ट जो है कम्प्लीट हो चुका है, मतलब फर्स्ट लाइन कम्प्लीट हो चुका है, प्ले करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लाइन के लिए कीजिएगा, इसी को सिलेक्ट कीजिएगा, एस वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, यहाँ पे कॉपी लेयर कर लीजिए, और सेकेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दीजिए, फिर से इसे प्ले करके देख लीजिए सेकेंड वाला लाइन आपका ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। तो सेकेंड वाला लाइन थोड़ा पहले खत्म हुआ है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन में टैप करेंगे, ये वाले ऑप्शन में टैप कर देंगे, एक्स्ट्रा कट जाएगा। अगर आपका लाइन आगे तक होता है, जहाँ तक होगा जाइएगा, इस वाले ऑप्शन में टैप कीजिएगा, आगे तक आ जाएगा, तो मेरा जहाँ था वहाँ रहने देते हैं। और इसका लाइन से चेंज करना है तो इस वाले को सिलेक्ट कीजिए, एडिट टेक्स्ट में जाइएगा, जो पहले से यहाँ पे लिखा हो उसे क्लियर कीजिएगा, और यहाँ पे आपका जो भी लाइनिंग है उसे आपको टाइप कर देना है। तो मेरा है मोहम्मद है, नेक्स्ट स्टाइल यही था, तो राइट क्लिक करते हैं, बस यहाँ पर हमारा एडिटिंग इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा लाइडिंग सब कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें आप अलग अलग सॉन्ग पे स्टेटस बना सकते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस वीडियो को सिंपली सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा, लाइडिंग्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो फिर एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो ऑर्डर देखते हैं इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करना एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए।